रेडियो सिरमौर पर आप सुन रहे हैं खबरें दिन भर की भावना के साथ, स्पॉन्सर्ड बाय रोड सेफ्टी क्लब पाउंटा साहिब। हिमाचल से उत्तराखंड जाने के लिए अब बहुत जरूरी हो गया है दिशा निर्देशों का पालन करना, नहीं तो उत्तराखंड में आप नहीं कर पाएंगे एंट्री। हिमाचल और उत्तराखंड में अब कोरोना तेजी के साथ अपने पांव पसार रहा है, जिसके बाद अब पड़ोसी राज्य की उत्तराखंड सरकार ने नई बंदिशें लगा दी है। पाउंटा साहिब के साथ लगती उत्तराखंड की सीमाएं सील कर दी गई हैं। कोविड वैक्सीन की डबल डोज व नेगेटिव रिपोर्ट के बिना उत्तराखंड में एंट्री नहीं होने दी जाएगी। इसके साथ ही साथ बिना मास्क के भारी जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपको पड़ोसी राज्य उत्तराखंड जाना है तो इन निर्देशों का पालन करना होगा। रोनहाट पुलिस चौकी इंचार्ज ज्ञानचंद की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पाउंटा साहिब में चोरी के एक मामले में पीडीसी खर्चा पानी के नाम पर घूस मांगने का आरोप एएसआई ज्ञानचंद पर लगा है। इसकी लिखित शिकायत डीएसपी पाउंटा कार्यालय तक पहुंच गई है। इससे पहले एएसआई ज्ञानचंद पर रोनहाट में लापता नाबालिग लड़कियों की तलाश के लिए परिजनों से 12,000 रुपए लेने के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसकी जांच डीएसपी पाउंटा कर रहे हैं। राज्य सरकार ने कोरोना बंदिशों के बीच 26 जनवरी तक सभी परीक्षाएं स्थगित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों को परीक्षाएं स्थगित करने को कहा गया है। सभी सरकारी व निजी स्कूलों के साथ साथ कॉलेज व विश्वविद्यालय शामिल हैं, जबकि ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। सिरमौर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत जिला के विभिन्न लाभार्थियों के लिए लगभग 2 करोड़ की राशि जारी की गई है। ये जानकारी उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के अंतर्गत सिरमौर के 104 लाभार्थियों के लिए मकान बनाने हेतु 1,56,00,000 रुपए की राशि जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त अनुवर्ती कार्यक्रम के अंतर्गत 566 लाभार्थियों के लिए सिलाई मशीनें उपलब्ध करवाने के लिए 10,20,000 रुपए की राशि जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अंतर जातीय विवाह पुरस्कार योजना के अंतर्गत जिला की 31 दंपतियों के लिए 15,00,000 रुपए की राशि जारी कर दी गई है, जबकि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत 28 लाभार्थियों के लिए 5,50,000 रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है। जिला सोलन में सप्ताह के अंत में थोक व परचून की किराना दुकानें भी बंद रहेंगी। पत्रकार वार्ता में एसडीएम सोलन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि वीकेंड में केवल फल सब्जी दूध ब्रेड व अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुल पाएंगी। उन्होंने कहा कि मूल रूप से किराना की दुकानें चलाने वाले दुकानदारों को वीकेंड पर अपनी दुकानें अन्य दुकानों की तर्ज पर बंद रखनी होगी। बताते चले कि प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बाद से जिला प्रशासन भी सतर्क है। जिला सिरमौर के उपमंडल पच्छाद स्थित अकल एकेडमी बड़ू साहिब व्हाइट हाउस में कोरोना संक्रमित मामले आने पर व्हाइट हाउस की सबसे ऊपरी मंजिल को जिला दंडाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, जबकि इस भवन के तृतीय मंजिल को बफर जोन घोषित किया गया है। आदेशानुसार इस भवन के सबसे ऊपरी मंजिल पर रहने वाले व्यक्तियों को किसी भी स्थान पर इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी और आपदा की स्थिति को छोड़कर उन्हें भवन में ही रहना होगा। जिला किन्नौर में हुई भारी बर्फबारी के बाद जिला प्रशासन और बीआरओ अवरुद्ध हुए सड़क मार्गों को खोलने में लगा हुआ है। जिला किन्नौर में अभी 16 संपर्क मार्गों पर जिला प्रशासन बीआरओ के संयुक्त तत्वाधान में सड़क मार्गों को खोलने का कार्य कर रहा है। सड़कों से बर्फ को हटाया जा रहा है ताकि जरूरी सामान के लिए वाहनों की आवाजाही शुरू की जा सके। फिलहाल बर्फबारी के बाद से क्षेत्र में शीतलहर जारी है। वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन जरूर करें। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल करें। अन्य वाहनों में सीट बेल्ट जरूर पहनें। बिना आवश्यक दस्तावेजों के गाड़ी ना चलाएं। नशे की हालत में वाहन ना चलाएं और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी ना करें। संदेश रोड सेफ्टी क्लब पाउंटा साहिब द्वारा जनहित में जारी।